हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज घर में पूरी साफ़ सफाई हो रही है, पूरा घर हमने धो दिया है इस पार से लेकर के उस पार तक, क्योंकि आज दो दो चीज़ है। एक तो आज विश्वकर्मा पूजा है और दूसरी आज जितिया पर्व का नहाए खाए भी है। तो पूरा घर में साफ़ सफाई होगा, आज कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, खाना भी बनेगा। और आज विश्वकर्मा पूजा है तो बाइक साइकिल सब चीज़ धो के लाएंगे और पूजा वगैरह करेंगे। तो फिलहाल मम्मी इधर देखिए झाड़ू लगा रही है, मैं ला रहा हूँ पानी चपाकल से और मम्मी पूरा साफ़ कर रही है ए टू जेड। और पापा भी इधर लगे हुए हैं साफ़ करने में, सब लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों दो दो टब पानी ला के रखे हैं चपाकल से, क्योंकि धोना पड़ता है नीचे और उस पार भी धो दिए, सामने में भी, रोड को भी धो दिए आज। और इधर तो मिट्टी का है तो इधर तो पानी से नहीं धो सकते, इधर होगा हमारा भाई गोबर से लिपाई होगी। और हमारा चापाकल है तो बहुत हेल्प हुआ धोने में, रख दिए हैं जितना भी बक्सा किताब जो भी होता है, हमारा ट्राईपॉड देखो, सारा चीज़ एक ही बेड में सेट कर दिए हैं। अभी नीचे सूखेगा फिर इसको अंदर करेंगे, अंदर में डाल देंगे। और पंखा चालू कर दें और एक बार धोवें, तो मम्मी एक बार और धोएगी, इसके बाद पंखा चालू करेंगे, फिर सूख जाएगा, फिर मैं वीडियो भी बना लूँगा और इस सारा सामान को अंदर डाल देंगे। तो पापा इधर जा रहे हैं चापाकल पानी लाने के लिए। तो दोस्तों आज घर में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए हम फटाफट से शर्ट पहने और एक वीडियो बना लिए स्टडी वाले चैनल के लिए, ताकि मतलब शाम में यदि नहीं भी बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, चैनल पर तो डेली एक वीडियो आ ही जाएगा। और देखिए हम कैसे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो इमरजेंसी लाइट को कैसे फिट किए हैं, ये हमारा ट्राइपॉड है और इधर हम शूट कर रहे थे और एकदम लाल लाल शर्ट दिख रहा तो काफ़ी मस्त लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन होता तो और मस्त लगता, एकदम रेड हो गया पूरी तरह से, कुछ भी इस पर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो मुझे तो अजीब लग रहा है लाल शर्ट पहनने में, बट क्या करें, दूसरा था ही नहीं इसलिए ले लिए। तो बाय द वे अभी अरुण गया है बाइक धोने के लिए तालाब, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है ना, तो अरुण गया है फिलहाल तालाब बाइक धोने के लिए। आई थिंक वो आ भी गया होगा, नहीं आया है दोस्तों। तो अभी तालाब में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो हम भी अब इसको खोलते हैं और घर के काम धंधे में अब लगते हैं। ये सारे जो बक्से वगैरह हैं इसको अंदर डालते हैं और सेट करते हैं। और मम्मी भी सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, हमने भी इधर उधर बहुत ज़्यादा पानी वानी लाया, और पापा भी बिज़ी हैं, अरुण भी बिज़ी है, सब बिज़ी है। तो फटाफट इसको खोलते हैं और लगते हैं भाई काम में। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी तक हम मुंह नहीं धोए हैं, अभी बहुत देरी हो गया। तो अरुण फिलहाल गया था बाइक धोने के लिए, आज धोया है और हम बाइक धो के ला दिए आज पूजा यही करेगा, अभी गया था दही लाने के लिए और प्रसाद वगैरह, अभी जाएगा चुंदरी लाने के लिए मार्केट, जो कि नज़दीक में ही है। तो चलिए लेके आते हैं, जाओ ले आना बढ़िया जैसा दो को। तो अभी अरुण तो जा रहा है दोस्तों फाइनली चुंदरी लाने के लिए, और इधर जो भी पूजा का सामान है नीचे रखा हुआ देखिए ला करके। तो आज पूजा होने वाली है विश्वकर्मा बाबा की, तो चलिए देखते हैं जो भी होता है। और हम नहा लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो बस इधर उधर काम करते करते वीडियो बनाते बनाते मेरा टाइम पता नहीं कब ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। अभी लगभग 10 बज चुके हैं, अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है। दोनों तरफ बंद है ना। ये दोस्तों हम लोगों का जितिया पर्व कैसे हो रहा है, मम्मी झींगा के पत्ते में दही और चूड़ा दे रही है जितिया भगवान को, और यहाँ पर अभी बाहर ले जाएगी और बाहर में देंगी, 5 पत्ता है झींगा का। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मम्मी आंगन में दे रही है, 5 पत्ता में दही और चूड़ा है, ऐसा रात में भी दिया जाता है पूड़ी सेवई इस तरह से। तो अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो दे रही है, तो ऐसे ही हम लोगों का जितिया पर्व होता है।
आप लोगों के तरफ जितिया कैसे होता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मम्मी एक एक पत्ता को अलग कर रही है और लगा रही है जितिया भगवान के लिए। और ऐसा रात में भी होगा, रात का वीडियो हम अलग बना देंगे। और इस तरह देखिए दोस्तों मम्मी कैसे कर रही है, और सारी चीज़ें मम्मी ही करती है क्योंकि ये लेडीज़ का ही करने का त्यौहार होता है। तो इस तरह कुछ होता है जितिया पर्व। मम्मी यहाँ प्रणाम कर रही है जितिया भगवान को, पाँचों पत्ते पर जल देकर के प्रणाम कर रही है। तो दोस्तों फाइनली अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मम्मी ने खाना रेडी कर दिया है। और खाने में क्या क्या बना आज देखो, चावल है, पापड़ है, दाल है, आलू की सब्जी है, और भिंडी का ये बरी है, झींगा है, और भी बहुत सारा चीज़ बना हुआ है। और रात में तो और भी स्पेशल चीज़ बनेगा। रात में क्या बनी? रात में बनी पूड़ी, सेवई और क्या बनी। तो रात में यही सब होता है, पूड़ी सेवई जो भी होता है आपको दिखा देंगे। फिलहाल इसको फिनिश करते हैं चलो। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं और मम्मी इधर रात की तैयारी के लिए पूरा बर्तन सबको धो रही है। ये सब जो देख रहे हैं, ये काला वाला जो है बर्तन दिख रहा है, ये सब स्पेशल पर्व त्यौहार का हमारा कढ़ाई है। तो इस पर पूड़ी बनेगा शाम में, क्योंकि जितिया पर्व में हमारा पूड़ी सेवई यही सब बनता है ना माँ। और तो भगवान को चढ़ता है यही सब पूड़ी सेवई, उसके लिए बर्तन सबको अच्छे से धोना पड़ता है। और ये सब जो है हमेशा यूज़ का बर्तन नहीं है, इसको सिर्फ पर्व त्यौहार में ही निकालते हैं। दिखाने का कोशिश करेंगे कि कैसे रात में क्या होता है नहीं होता है। तो फिलहाल अभी तैयारी वारी चल रही है थोड़ा। तो देखो नीचे बैठे हैं हम यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए और भींग गए। तो दोस्तों अभी जाना होगा दुकान, आटा लाएंगे, सेवई लाएंगे, और दूध तो आज ले ही लिए हैं लगभग दो, या कितना दूध ले बड़े में? दो पीला। पता है हर साल दूध होता नहीं था, बहुत मुश्किल से इधर उधर से अरेंज करते थे क्योंकि जितिया में दूध मिलना मुश्किल होता था। लेकिन इस बार दो पीला दूध मिल चुका है जो कि सबसे बड़ी बात है। आरो मांगत रही ना। हाँ तो दोस्तों अभी आए थे दुर्गा मंदिर तरफ घूमने के लिए। ये जो पीछे पोखर देख रहे हो इसके जस्ट सामने है दुर्गा मंदिर, देखिए उधर अभी काम चल रहा है। तो आज हटिया था तो एक प्लेट चाट भी ले लिए, अभी चाट खा रहे हैं। और इधर घूमने आए थे, और अरुण यार उधर गया है फील्ड तरफ, चलो हम भी थोड़ा सा घूम के आते हैं चाट खाते खाते। इधर घूमने में एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। और पोखर देखिए, टोटल 9 सीढ़ियों में से 5 सीढ़ी भर चुका है और 4 सीढ़ी अभी बचा हुआ है। इसके बाद हमारा तालाब जो है फुल हो जाएगा। पानी का लेवल देखो कितना है, और इस बार इधर उतना ज़्यादा झाड़ नहीं हुआ है, पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती थी दोस्तों, लेकिन इस बार बहुत कम झाड़ी है क्योंकि खेती ही नहीं हुई है। सारे के सारे खेत देखो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये वाला खेत देखिए, इस पर पिछली बार धान हुआ था दोस्तों, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारा चाट, और सामने का व्यू देखिए, और सनसेट हो रहा है, क्या मस्त चाट लग रहा है यार। आप लोग भी आइए खा लीजिए। ये वाला खेत मुझे पक्का याद है कि इस पर धान हुआ था, और इस बार देखो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। एक दो गिने चुने खेतों में धान रोपा गया, बाकी के सारे खेत जो है ऐसे ही परती रह गया। परती मतलब होता है, मतलब जिसपे खेती नहीं हुआ उसको बोलते परती। हाँ अरुण मुझे दिख गया दूर, मुझे कैमरा में आप लोगों को हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत दूर में है, मुझे दिख रहा है। तो वो अभी घर जाएगा। यूजुअली हम लोग इधर ही बैठते हैं, गांव के सभी लड़के इधर शाम में आके बैठते हैं, मंदिर तरफ घूमते फिरते हैं। और इस बार तो भाई पूजा हो रही है तो एक अलग ही मज़ा आएगा नेक्स्ट लेवल का। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग्स में। आप लोग डेली देखना मेरे ब्लॉग को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो फाइनली दोस्तों घर पहुंच गए हैं, मम्मी इधर आटा अभी गूंथ रही है, आटा गूंथने की तैयारी कर रही है, और फिलहाल लाइट चला गया है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आगे हमारा जितिया पर्व कैसे हुआ नहीं हुआ ये आप नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर देखिएगा। अगला ब्लॉग काफी मजेदार होगा का मा नेक्स्ट ब्लॉग, तो अगले ब्लॉग में सारी चीज आप लोगों को दिखाएंगे। अभी तो ऐसे ही लाइट चला गया है तो बहुत सारा दिक्कत हो गया, अभी वीडियो बना नहीं पा रहे हम लोग। तो अगले ब्लॉग में आप देख लीजिएगा हम क्या करते हैं, कैसे क्या होता नहीं होता है, रात का प्रोसेस सारा चीज़ दिखा देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, थैंक यू।